Today's topic is functionalism. Functionalism is one of the major theoretical developments of 20th century. It is basically an analytical philosophy and provides the conceptual understanding of much work in the cognitive sciences. Because in the 19th and the early 20th century American school of philosophy and psychology, they basically presented this school of thought. Because a function, a group activity, it must help to maintain the life of a community. It also symbolizes that activity can function to bind a community into whole. It is like the organic theory. And into functionalism कि कोई एक ऐसा फंक्शन जो माशरे को कम्युनिटी को बाउंड कर दे जैसे हमारे जिसम के अंदर कोई एक निज़ाम वो अकेला कुछ नहीं कर सकता हमारा निज़ाम हज़म जो है हमारा सांस का निज़ाम है वो सब मिलकर एक जिसम बनाते हैं तो ऐसे ही जो अमेरिकन फ़िलासफ़ी आई वहाँ के फ़िलासफ़र ने बेसिकली ये कॉन्ट्रीब्यूट किया पॉलिटिकल सोशोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में स्कूल ऑफ थॉट की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हर वो काम हर वो माशरे के अंदर होने वाली एक्टिविटी जो लोगों को इकट्ठा कर दे लोगों के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों की जो अपनी अपनी सोच है उनके अंदर ऐसी यूनिटी क्रिएट कर दे और लोगों का कंसेंसस डेवलप हो जाए कि माशरे के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो उनके मुफाद के लिए हैं और उससे उनको फ़ायदा पहुंचता है इसके अंदर सबसे अहम जो डेवलपमेंट आई वो टेलकोट पार्सन ने इंट्रोड्यूस कराई टेलकोट पार्सन ने खास तौर पर चार चीज़ों का बारे में ज़िक्र किया वो क्या थी कि कोई भी माशरा जो है वो कायम रहता है एडेप्टेशन पर गोल अटेनमेंट पर इंटेग्रेशन पर और लेटेंसी पर अब अडेपटेशन क्या है इसको अगर हम समझना चाहें दैट हाउ द पीपल द एनवायरनमेंट। यानी आप जिस माशरे में रहते हैं जिस सूरत हाल में रहते हैं आप उसके साथ अपना ताल्लुक़ कैसे जोड़ते हैं फिर दूसरी बात अटेन द गोल उसी माशरे में उन्हीं लिमिटेशंस, उन्हीं मौके के अंदर रहते हुए आप अपने मुफादात को कैसे हासिल करते हैं और फिर इंटेग्रेट इट्स कंपोनेंट्स क्योंकि आप अकेले नहीं हैं आपको माशरे के अंदर ही रहते हुए अपने फ़राइज को सर अंजाम देना है तो आप खुद को लोगों के साथ उनका अपना ताल्लुक कैसे जोड़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि मेंटेन इट्स लेटेंट पैटर्न अब लेटेंट पैटर्न क्या होता है हर फर्द की एक तरबियत है हर फर्द को माशरे से सीखना है और माशरे के अंदर रहते हुए काम करना है कुछ चीज़ों से हम बरत सीखते हैं और कुछ चीज़ों से हम इनडायरेक्ट सीखते हैं तो लेटेंट का मतलब है कि हम इनडायरेक्टली कैसे मुशरे से सीख रहे हैं या लोगों से सीख रहे हैं तो फंक्शनलिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई जब टेलकोट पार्सन ने अपना स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया चुनाचे ये बड़ा ज़रूरी है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी टू अंडरस्टैंड दैट पार्सन एगल मॉडल इज़ एन एनालिटिकल स्कीम फॉर द सेक ऑफ थोरेटिकल प्रोडक्शन ये बहुत सिंपल बज़ाहिर लगता है हकीकत में नहीं है हम आ, समझ सकते हैं कि जब हम माषरे के अंदर रहते हैं तो माशरे के भी तो कुछ तकाजे होते हैं ना जब अफराद ने आपस में रहना है और हर फर्द ने अपने लिए कुछ हासिल करने की कोशिश करनी है मसलन आप यम है हमारे बहुत सारे रोल होते हैं सुबह उठते हैं हमारा रोल फ़र्क होता है आप घर के अंदर अगर भाई के रोल में हैं बहन के रोल में हैं तो आपका रोल डिफरेंट है जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो वहाँ आपका रोल फ़र्क है आप जब वापस आते हो तो हो सकता है आपको कुछ और फ़राज सर अंजाम देना हो ऐसे ही मेरे बहुत सारे रोल हैं अब हर रोल का एक तकाजा होता है हर रोल की एक डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम कैसे कोऑपरेट करते हैं कैसे कोऑप करते हैं अपने इस रोल को और हम कैसे डिलीवर कर पाते हैं ये सारा सिलसिला है जो टेलकोट पार्सन का मॉडल है फंक्शनलिज्म का यानी हमें अपने हर रोल को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए माशरे से बहुत कुछ लेना भी है और माशरे को बहुत कुछ देना भी है तो ये जो इंटरेक्शन है हम हम सबका आपस में इसको हम कैसे फंक्शनल फॉर्म में लेकर आते हैं फंक्शनल फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू डिलीवर वी हैव टू ऑप्ट एंड वी हैव टू द डिमांड्स ऑफ अदर्स हो सकता है ना कि हमारा आपका कहीं पर इसी रोल को परफॉर्म करते हुए कोई क्लैश हो जाए कहीं हमारा इख्तलाफ हो जाए अब उन सब को हैंडल करना है ताकि माशरे के अंदर हर वक्त तनाव की कैफियत ना रहे तो कार मार्क्स वेबर और फिर टेलकोट पार्सन ये बहुत सारे फिलोसफ़र्स इन्होंने हमारे इसी रोल के बारे में अपने अपने वक्त पर अपनी अपनी फ़िलासफीज़ दी हैं जिनका पॉलिटिकल सोशोलॉजी फ़ायदा उठा रही है ताकि लोगों को बताया जा सके कि हर माशरे के मुख्तलिफ तकाजे हैं इन तकाज़ों के मुताबिक हमें अपने रोल को कैसे कंसाइज्ड फॉर्म में परफॉर्म करना है ताकि ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी सूरत हाल ना हो सके